हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिव हाउस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के नाम पे हो रहे धांधली के बारे में। क्या आपने ऐसा सोचा भी होगा कि आपका वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा और ओटीपी डालते के साथ आपके अकाउंट से सारा पैसा गायब हो जाएगा? नहीं ना। वैसे तो ये चैनल मोटिवेशन का है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं धोखा खाने वालों की लिस्ट में आपका भी नाम ना आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग एक मोहल्ले में आते हैं और सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि हम सरकारी हॉस्पिटल से आए हुए हैं, साथ में अपना आईडी कार्ड भी दिखाते हैं। उन लोगों ने गांव वालों को बोला, आप अपना आधार कार्ड और मोबाइल लेकर आइए, और एक एक करके उन लोगों ने सभी का आधार कार्ड ले लिया और ओटीपी के जरिए सारा पैसा उनके अकाउंट से गायब हो गया। इस बात का पूरे मोहल्ले में किसी को खबर तक नहीं लगी और देखते ही देखते वो लोग वहाँ से चले भी गए। और यह बात बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन खुद करें, किसी और के चक्कर में ना पड़ें, लेकिन वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पर, और अगर आप चाहें तो ये सेम प्रोसेस अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप पे गूगल ओपन कर लेना है और वहाँ आपको टाइप करना है www.cowin.gov.in और उसको सर्च कर लेना है। सामने आपका जैसे ही इंटरफेस खुलेगा कोविन COWIN फर्स्ट सर्च आएगा कोविन, उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से कोविन का जो है COVID-19 का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एंड साइन इन का ऑप्शन होगा, ये रजिस्टर्ड एंड साइन इन पे कोना पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक दूसरा पेज खुल के सामने आता है जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर मांगता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जैसा कि हम लोग अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। जैसे आप मोबाइल नंबर डालेंगे नीचे गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उस गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको जो आपने जो अभी नंबर डाला उस नंबर पे एक ओटीपी भेजा गया है जो कि आपको यहाँ पे डालना है। तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं, हमारा ओटीपी आ चुका है। ओटीपी डालने के बाद नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड का ऑप्शन होगा, उस वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे हमसे मांगेगा, लिखेगा वेलकम यू कैन रजिस्टर्ड फोर मेंबर विथ वन मोबाइल नंबर। हम लोग आगे देखते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मेंबर पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछेगा वो फोटो आईडी प्रूफ क्या चाहिए, क्या देना चाहेंगे आप। तो हमारे पास तीन चार ऑप्शन है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और पेंशन पासबुक। तो हम लोग सबसे अच्छा आधार कार्ड पे क्लिक करते हैं। आधार कार्ड पे क्लिक करने के बाद हमसे आधार नंबर मांगता है, तो मैं अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपसे नाम पूछेगा, वही नाम आपको यहाँ डालना है जो नाम आपका आधार कार्ड में है। जैसा कि मैंने अपना नाम डाल दिया नरेंद्र कुमार। अब आपसे पूछ रहा है ये मेल है या फीमेल है या अदर, मेल पे क्लिक कर लेंगे हम। अब ये पूछ रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ में ईयर क्या है, मतलब आपका जन्मदिन किस साल का है। तो मैं अपना यहाँ डाल देता हूँ एंड नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड, उस रजिस्टर्ड पे हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे लिखा हुआ इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली नरेंद्र कुमार, आधार नंबर दिया गया है, यह हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया एंड आईडी नंबर हो गया। और उसी वक्त हमारे फोन में एक मैसेज आता है, डियर नरेंद्र कुमार यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड रेफरेंस नंबर हमें भेज दिया जाता है। अब इतना होने के बाद हम लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उसके बाद हम लोग को आप चाहे तो यहाँ पे ऐड मेंबर पे क्लिक करके अपने घर के और भी मेंबर को ऐड कर सकते हैं। आप मैक्सिमम चार लोगों को ऐड कर सकते हैं एक नंबर से। उसके बाद आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है। शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद वो आपसे आपका
पिन कोड मांगेगा जहाँ आपका घर है वहां उस एरिया का पिन कोड मांगेगा। तो मैं अपना पिन कोड एंटर करता हूँ और यहाँ सर्च पे क्लिक करते हैं। जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, 18 साल 45 साल कोविशील्ड कोवैक्स आपको नॉर्मली, अगर आप 18 साल प्लस के हैं या 45 प्लस के हैं, तो हम लोग नॉर्मली बात कर लेते हैं, अगर आप 18 प्लस के हैं तो 18 प्लस पे एज 18 प्लस पे क्लिक कर देना है। एज 18 प्लस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ दिखा हुआ है नो वैक्सीनेशन सेंटर इज अवेलेबल फॉर बुकिंग। तो बस जब हम लोग बार बार इसको सर्च करते रहेंगे और सर्च करने के बाद वो अवेलेबल जैसे ही होगा तो नॉर्मली हम लोग को शेड्यूल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस खुल के आ जाएगा और वहां पे हम लोग को डेट सेलेक्ट करके कंफर्म कर देना है और हमारा शेड्यूल सेट हो चुका होगा। तो इस तरह से आप चाहें तो आप भी खुद से ही घर बैठे हुए सारे चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।